Hello friends, today we will learn weak nuclear force of physics chapter 1 physical world. Let's start. If a nucleus becomes so heavy because of more protons greater than 83, it becomes radioactive element and start radiations. आप सबको पता है अगर न्यूक्लियस हैवी हो जाता है डैट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर या हम कह सकते हैं प्रोटॉन्स के नंबर 83 से अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट. और रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है रेडिएशंस स्टार्ट करता है रेडिएशंस देता है. ठीक है आप सब जानते हैं सन जो है वो क्या करता है रेडिएशंस देता है रेडिएशंस देता है. वो रेडिएशंस में इतनी एनर्जी होती है तो हमको सनलाइट मिल है. तो सनलाइट क्या है एक तरह का रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है सनलाइट. इन दिस रेडिएशन प्रोसेस इट गो थ्रू बीटा डिके दैट मीन्स जब रेडिएशन होता है तो वो बीटा डिके के प्रोसेस में जाता है. बीटा डिके जो है वो आपके लिए नया वर्ड है यानी आप इतना समझ सकते हो जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशंस देता है. ठीक है तो उसमें से एक रेडिएशन का नाम है बीटा डिके. बीटा डिके में क्या होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है. ओके इन बीटा डिके द न्यूक्लियस एमिट एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो. तो जो बीटा डिके के अंदर न्यूक्लियस जो है वो एक तो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है एमिट मतलब निकालता है बाहर और एक अनचार्ज पार्टिकल निकालता है जिसका चार्ज नहीं होता और उसको हम न्यूट्रिनो नाम से जानते हैं. तो बीटा डिके के अंदर क्या एमिट करता है इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रिनो. ओके दिस बीटा डिके पॉसिबल ओनली ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स. ये जो बीटा डिके प्रोसेस हो रहा है ये सिर्फ पॉसिबल है किसकी वजह से वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से. अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो ये बीटा डिके पॉसिबल नहीं होता. तो अब हमें पता चल गया कि वीक न्यूक्लियर फोर्स किस लिए काम आता है. बीटा डिके प्रोसेस में वीक न्यूक्लियर फोर्स काम आता है. वीक न्यूक्लियर फोर्स हम बोल सकते हैं कि कब होता है रेडिएशंस के टाइम पे होता है. जब बीटा डिके होता है तब वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करना स्टार्ट करता है और वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है. द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी स्मॉल 10 टू द पावर माइनस 16 दैट मीन्स ओनली विद इन द न्यूक्लियस. 10 टू द पावर माइनस 16 का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस का रेडियस के अंदर तक ही यानी न्यूक्लियस के अंदर तक ही वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है. जैसे ही न्यूक्लियस के बाहर वीक न्यूक्लियर फोर्स की कोई रेंज नहीं होती न्यूक्लियस के बाहर वीक न्यूक्लियर फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता. जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की भी रेंज यही थी विद इन द न्यूक्लियस 10 टू द पावर माइनस 15 उसी तरीके से वीक न्यूक्लियर फोर्स जिस तरीके से ये इसका नाम ही है न्यूक्लियर फोर्स तो आप समझ सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर ही लगता होगा ये फोर्स. तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की भी रेंज कितनी है 10 टू द पावर माइनस 16. इट इज़ वेरी वीक फ्रॉम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बट इट इज़ 10 टू द पावर 25 टाइम्स ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये बहुत वीक है न्यूक्लियर फोर्स किससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बट ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. इसका मतलब क्या हुआ सबसे वीक कौन सा फोर्स हुआ फोर फंडामेंटल में से सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ और ग्रेविटेशनल फोर्स से वीक न्यूक्लियर फोर्स कितना ज़्यादा है 10 टू द पावर 25 टाइम्स ज़्यादा है. ओके आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स का. ठीक है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स का जस्ट इंट्रोडक्शन है आपके क्लास 11th के हिसाब से. ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो.